तो साक्षी हो चुकी है हमारे तैयार गणपति पापा के विसर्जन के लिए, और उसने वो क्लिप वहाँ से भेजा था, तो मैंने सोचा अपने वीडियोस में भी उसकी छोटे छोटे से क्लिप्स डालूँगी। वो हाल फिलहाल अभी क्या कर रही है और उसकी ड्राइंग्स। तो अब ये हम आ गए हैं हॉस्पिटल से, और अभी उसके पापा हैं और उसके दादा दादी भी आए हुए हैं, तो इसलिए मैं घर पे आ गई थोड़ी सी देर के लिए। इसके बाद खाना वाना बना के फिर जाऊंगी ही उसे मिलने के लिए, और फिर खाना बनाने के बाद मैं फिर वहीं रात रुकना है। रुकने का काम मेरा ही है बिकॉज उसके पापा की नाइट की ड्यूटी है। और पौधों को पानी नहीं दिया मैंने बिल्कुल भी, कल दिया था उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी देने का, तो पौधे मेरे ऑलमोस्ट सूख गए होंगे। तो फटाफट से थोड़ा सा टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा ठंडक हो जाए, हल्की फुल्की सी धूप हट जाए, फटाफट से पानी डाल के खाना बना के फिर जाएंगे हॉस्पिटल। और जब तक मेरे पास फ्री टाइम है तब तक मैं करती हूँ मेरे पिकअप का काम, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। और हाँ, ब्लॉग की शुरुआत भी हम यहीं से करते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और तो क्या, चलो ठीक है, बताते हैं आपको हम पिकअप में क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, हम स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जैसे कि साक्षी अब चली गई है आपको पता है, मतलब वो उसकी पढ़ाई के लिए, तो वो अपने कॉलेज में क्या क्या बनाती है और उस वो मतलब क्या क्या करती है, इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स में डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उसने सब्जेक्ट लिया है BFA, उसका सब्जेक्ट है। और BFA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट्स, तो साक्षी ये कर रही है क्योंकि उसको शुरू से ही आपको पता है कि ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो बचपन से ही उसने सोच रखा था कि मुझे कुछ इसी फील्ड में करना है। और वो वहाँ जाके क्या कर रही है, उसकी कौन कौन सी ड्राइंग्स है, क्या है रोज़, वो क्या बनाती है, वो सब मुझे वो शेयर करती है। उसके कॉलेज में अलाउड है वीडियोज़ बनाना, ये सारा का सारा करना कॉलेजेस में उसके अलाउड है थोड़ा बहुत, तो मुझे जो भी थोड़ी बहुत क्लिप देगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वाले। और ये काम स्टार्ट करेंगे आज के ही ब्लॉग से, उसने क्या बनाया, जैसे आज क्या बनाया है, ये थोड़ा सा कुछ उसने वो कहाँ गई है क्या, तो उसके भी छोटी छोटी सी क्लिप्स डालेंगे, बिकॉज ये हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, इसमें इसके पापा को इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पतिदेव को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल ब्लॉग्स वगैरह में आना, तो हमेशा कभी वो आपको इस ब्लॉग में दिखेंगे नहीं, बिकॉज नहीं पसंद तो नहीं पसंद है, वो उनकी इच्छा। बाकी यू को हम दिखाते हैं, और हमारी क्या बोलते हैं साक्षी को भी हम इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो अब दूर रहने लगी है ना, तो क्या होता क्या है होता क्या है फिर वो वीडियोस में आ नहीं पाती है, तो इस बहाने से उसकी चीज़ें और वो क्या कर रही है थोड़ा बहुत इसमें शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बहुत हो गई बातें, अब हम लगते हैं थोड़ा बहुत काम में। तो अब हम बना देंगे ये सारे के सारे, यहाँ वाइट सर्किल बना रही हूँ, और वापस मैं बता देती हूँ कि इसमें मैं एक्रेलिक कलर यूज़ में ले रही हूँ, और एक्रेलिक कलर में मैं कोई पानी बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ यूज़ में, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ ऐसे ओवल शेप बनाने चाहिए, मैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पूरे इस पेकॉक पे बना दूँगी ऐसे ओवल, ऐसे ये इस तरीके से, ये देखो ओवल शेप ऐसे बना दूँगी। देखो ये तो मैंने कर दिया है इस तरीके से कंप्लीट, और अब मैं ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इसको मैं येलो वाइट कलर लेके जस्ट ऐसे रफली, इसमें ज़्यादा कोई फिनिशिंग नहीं देनी है, इसमें आप कह लीजिए ऐसे उल्टे यू की तरह ऐसे इसमें पूरा डिज़ाइन बना देंगे, कहीं हमें ये मोटी बनानी है और कहीं हमें ये पतली, और इस अकॉर्डिंग मैं पूरा भर दूँगी। तो इस तरीके से देखो 0 नंबर के ब्रश से मैंने ये भर दिए, पहले वाइट कलर से फिर ग्रे कलर से ऐसा करके इस तरीके से। अब ये मैं बिकॉज क्योंकि ब्लू कलर का पिकॉक बना रहा, तो यहाँ अब मुझे रेड कलर ऐड करके देखती हूँ, पहले रेड कलर लेते हैं और देखते हैं रेड कलर से इसके सर्किल बनाएंगे, और फिर इसके बाद हम डालेंगे पर्ल ग्रीन कलर का, जो हल्के से क्या शाइन करते हैं उन ग्रीन कलर का ऐसे शेड डालेंगे इस तरीके से। ये वीडियो में शायद ऐसा खास ज़्यादा चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा, मगर ये जैसे पिकॉक के फैदर होते हैं ना, उस अकॉर्डिंग ये इसमें 3-4 हम ऐसे जैसे जब शेड्स डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, इसीलिए हम इसमें यूज़ में ले रहे हैं पर्ल कलर इसकी टेल में। तो इस तरीके से हम पहले ग्रीन कलर पूरे इस टेल में कर देंगे। नहीं, कालू राम हो रखे हैं।
के सीट बता दो, चालू करो तो खाने वाला है, सुबह चालू करो। बोलो तभी सही है, देखो लग रही है, देखो कि देखो लगेगी अभी इसके सारे के सारे हमारे हो गए। हाँ तो ये देखो साक्षी का BFA के कॉलेज का ड्राइंग रूम, जहाँ वो बैठ के सब अपनी ड्राइंग्स वगैरह पेंटिंग्स वगैरह सब बनाते हैं। और इससे पहले क्या बनाया अगर आप वो देखना चाहेंगे मैं बता दूँगी, उसने अभी तक की ड्राइंग में कॉलेज में क्या बनाया है, मगर आज का उसने क्या बनाया था स्टिल लाइफ, अभी उसकी स्टिल लाइफ ही चल रही है, तो वो भी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करूँगी कि उसने स्टिल लाइफ बनाया है ऑयल पेस्टल कलर से। तो ये पूरा उसका रूम है, ये उसका क्या पूरा उनका आर्ट का रूम है पेंटिंग का, और ये स्टिल लाइफ का प्रोजेक्ट है, और ये स्टिल लाइफ उसने बनाई है इसको देख के रेफरेंस से। खाना वाना खाने के बाद ये सो गई, तो फिर हमारी थोड़ी बहुत लग गई ड्राइंग में। ये एप्पल बनाया है, और ये ड्राइंग मैंने बनाई थी जब साक्षी कोटा एग्ज़ाम देने गई थी CUET के पेपर के लिए, तब का ये रखा हुआ है। तो मैं ये छोटी सी कॉपी है तो उसको ले आई स्केचिंग कॉपी, और उसमें कर रही हूँ मेरे आज थोड़ा बहुत कलर। तो इसमें हम कर रहे हैं पेंसिल कलर, बहुत सारा सामान था, मैं ज़्यादा सामान नहीं ले पाई, इसलिए मैंने सोचा पेंसिल कलर और छोटी सी अपनी स्केचिंग कॉपी ली जाए, और कलर इसमें मैं करती रहूँगी। तो उसका बेस मैंने डार्क ब्लू कलर का बनाया है, और ऊपर मैंने ऑकर और ब्राउन कलर का शेड दिया है। अब देखो ये मैं कितना इसमें कलर कर पाती हूँ, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सुबह। ये हो भी गई है फ्रेश होने, और इसको पेस्ट वेस्ट कराएंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर पे। ये देखो यहाँ का है बाथरूम, ये जल्दी आ जाना बेटा, कर लिया अभी को पेस्ट वेस्ट कराते हैं, ड्रेस चेंज कराते हैं। ये तो क्या सो रही है, और हम यहाँ बाहर घूमते घूमते कर लेते हैं हमारी एडिटिंग, और इस वाले हॉस्पिटल के ब्लॉग को भी हम हॉस्पिटल के ब्लॉग को हमारे ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करेंगे।